हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एग्जाम रिव्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं आज की इस वीडियो में एसएससी सीपीयू एग्जाम एनालिसिस 4 अक्टूबर के फर्स्ट स्टेप के एकदम रियल क्वेश्चन। फ्रेंड्स, जो स्टूडेंटों द्वारा बताए गए हैं एकदम रियल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक भी फेक क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड्स। और बता दें, जिन लोगों का आने वाले चैप्टर में एग्जाम है वो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करें अपने सारे एकदम रियल क्वेश्चन, जिससे मैं आने वाले चैप्टर में एनालिसिस कर सकूँ और आप जो अपना कर्ज उतार सको। और फ्रेंड, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी, तो फ्रेंड जाके ज्वाइन करें वहाँ ग्रुप। ओके फ्रेंड, जिन्होंने आज क्वेश्चन सेंड किए उनको बहुत बहुत धन्यवाद है, जैसे कि आरती हैं, दीप्ति हैं, रेखा है, अमित है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद है, इन्होंने एकदम रियल क्वेश्चन सेंड किए जिससे आप सबकी हेल्प हो सके। तो फ्रेंड चलिए बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को शुरू की गई थी। बात करते हैं फ्रेंड्स, मंगलवार को सरकार के 75 लाख गरीब परिवार को पीएम उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर कनेक्शन देने के फैसले को केंद्रीय कैबिनेट में अपनी मुहर लगा दी थी और 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से शुरू कर दी गई थी। कहाँ से शुरू की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा बलिया उत्तर प्रदेश से शुरू की गई थी। और किससे संबंधित है, गैस सिलेंडर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, IOC का पहला अध्यक्ष कौन था, तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा IOC का पहला अध्यक्ष कौन था, डेमेटिस बैकेलस इसके प्रथम अध्यक्ष थे। इसकी स्थापना 23 जून 1894 को की गई थी तथा यूनानी व्यापारी डेमेटिस बैकेलस इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे IOC के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ओलंपिक अब किस देश में खेला जाएगा, तो फ्रेंड राइट आंसर होगा 100 साल बाद 26 जुलाई 2024 को पेरिस, कहाँ पर खेला जाएगा, पेरिस में। पेरिस आधिकारिक तौर पर तीसरी बार ओलंपिक खेले की मेजबानी करेगा, जबकि फ्रांस में ओलंपिक गेम्स 6ठी बार आयोजित होगा। पेरिस के अलावा 3 शीतकालीन ओलंपिक को आयोजन भी फ्रांस करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स, आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके। फ्रेंड्स, आपको बता दें आपके इस चैनल पर एकदम रियल क्वेश्चन की एनालिसिस देखने को मिलेगी और जोन से एग्जाम होते हैं सबके एनालिसिस देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड्स, जो SSC CPO के सभी सब्जेक्टों के एनालिसिस पर देखने को मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भूपेन हजारिका को भारत रत्न 2019 में किस क्षेत्र में दिया गया था, तो भारत रत्न कौन से क्षेत्र में दिया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा संगीत क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया गया था, तो संगीत क्षेत्र में दिया गया था। फ्रेंड्स, आपको कमेंट में बताना है 3 लोगों को दिया गया था 2019 में किस किस से मिला था, अटल बिहारी वाजपेयी, भूपेन हजारिका और एक कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, औरंगजेब के उत्तराधिकारी कौन थे, तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा कौन थे, बहादुर शाह। कौन थे, बहादुर शाह थे। बात करते हैं फ्रेंड, उत्तराधिकारी युद्ध औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके 63 वर्षीय पुत्र मुज्जम शाह आलम प्रथम ने लाहौर के उत्तर में स्थित सैदौला नामक पुल पर 1707 में बहादुर शाह के नामक पर अपना सम्राट घोषित कर दिया गया था, तो कौन था, बहादुर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले फ्रेंड्स बात करते हैं, ये फ्रेंड्स टेलीग्राम ग्रुप है एग्जाम रिव्यू पॉइंट करके अपना, तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, सबसे पहले मैं यहाँ पर वीडियो डाल देता हूँ और इसकी जो PDF फ्रेंड्स देखने को मिल जाती है यहाँ पर, मैंने कल सबसे पहले यहाँ पर PDF देखने को डाल दी थी SSC CPU एग्जाम एनालिसिस 3 अक्टूबर के 3 शिफ्ट के, 3rd शिफ्ट की है फ्रेंड्स इसके पहले, और यहाँ पर 2nd शिफ्ट की भी यहाँ पर PDF देखने को मिल जाएगी फ्रेंड्स। और जिससे अभी आप एनालिसिस देख रहे हो उसकी भी अभी वीडियो जस्ट खत्म होने के बाद इस पर इसकी PDF देखने को मिल जाएगी, तो फ्रेंड टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो जाकर ज्वाइन करें आप। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स बता दें, पंचवर्षीय योजना से कौन से क्वेश्चन थे ये नहीं मिले, लेकिन पंचवर्षीय योजना से आज के चैप्टर में 2 क्वेश्चन देखने को मिले, लेकिन फ्रेंड जिनका एग्जाम है वो मुझे सटीक भेज दीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे पंचवर्षीय योजना से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक महात्मा गांधी का सत्याग्रह से क्वेश्चन आया था, तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा नमक सत्याग्रह एक ऐसा अभियान था जिसका उद्देश्य औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश नमक कर के खिलाफ अहिंसक विरोध प्रदर्शन करना था। इस अभियान की शुरुआत 12 मार्च 1930 को दांडी के रूप में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, क्वेश्चन सही पता नहीं चला था या नहीं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, भरतनाट्यम पूछा गया था या नहीं, भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है। बात करते हैं भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की जन्मी इस नृत्य शैली का विकास तमिलनाडु में हुआ था। मंदिरों में देवदासियों द्वारा शुरू किए गए यह नृत्य 20वीं सदी की रुक्मणी देवी से संबंधित है। ओके, रुक्मणी देवी किससे संबंधित है, तो भरतनाट्यम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, मूल कर्तव्य में वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं, तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा कितने हैं फ्रेंड्स, 6। कितने, 6। बात करते हैं मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं, तो 6 हैं। बात करते हैं मूल रूप से भारत में संविधान के भाग 3 के साथ मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया था, इनमें से
संपत्ति का अधिकार शामिल था जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था और अब केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जूडो किस खेल से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड जूडो कानो जिगारो द्वारा 1882 में जापान में बनाया गया था। ये आधुनिक जापानी मार्शल आर्ट और लड़ाकू खेल है। क्या है? तो मार्शल आर्ट है, एक लड़ाकू खेल है। तो ऑप्शन में शायद मार्शल आर्ट दिया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा मार्शल आर्ट। ऐसे पूछा गया था मार्शल आर्ट किस खेल से संबंधित है, तो जूडो से संबंधित है। एक क्वेश्चन फ्रेंड तानसेन से आया था लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं पढ़ पा रहा है कौन सा था, लेकिन बता देता हूँ आपको तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित था, तो राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर में स्थित है। बात करते हैं 1586 में तानसेन की मृत्यु आगरा में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? आगरा में। कब हुई थी? 1586 में। और यह संगीतकार थे, कौन थे संगीतकार थे? इच्छा अनुसार मोहम्मद गौस के मकबरे के समीप तानसेन का मकबरा बनाया गया था। कहाँ? ग्वालियर में। ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ओके नेक्स्ट, एक केरल डांस पूछा गया था, कैसे पूछा गया था ये पता नहीं चल रहा, लेकिन केरल का एक डांस आया था। तो बात करते हैं कथकली का प्रेक्षक कहाँ, कौन सा डांस था, तो मतलब बात करते हैं कथकली जो केरल का डांस है, और जैसे कि कृष्ण अट्टा, कृष्ण नारायण अट्टम है, कल्याणी अट्टम है, या अनुरूप में कलाम मंडलम पारक कथकली, ये ऐसे नृत्य है जो केरल से। एक क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया। एक क्वेश्चन ये आया था 51A किससे संबंधित है, तो बात करते हैं मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A प्रमुख विशेषता उदाहरण दिए गए हैं। अनुच्छेद 51A(b) अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों को संयोजन एक नैतिक जीवन वचन के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत संविधान के राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करना एक नागरिक कर्तव्य है। बुक राइटर से दो क्वेश्चन देखने को मिले थे फ्रेंड्स, पता नहीं चल पा रहा कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन बुक राइटर से दो क्वेश्चन आए थे बुक से। और एक क्वेश्चन ये पूछा गया था इस एरिया में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है, एक नदी से क्वेश्चन आया था कौन से क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स जैसे कि कल जैसा रीजनिंग में, रीजनिंग में फ्रेंड्स सबसे पहले आपको बता दें कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन देखने को मिला है, सबसे ज़्यादा पेपर कटिंग से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिला है, अल्फाबेट सीरीज से क्वेश्चन देखने को मिला है, सीरीज से क्वेश्चन देखने को मिला है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आया है फ्रेंड्स, नॉन वर्बल रीजनिंग से क्वेश्चन देखने को मिला है, मिसिंग नंबर से क्वेश्चन देखने को मिला है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन देखने को मिला है, और फ्रेंड्स बताएं आयस से क्वेश्चन देखने को मिला है फ्रेंड्स, कुछ नहीं से क्वेश्चन देखने को मिला है फ्रेंड्स, आकृति गिनने से क्वेश्चन देखने को मिला है जो आज रीजनिंग का था। बात करते हैं फ्रेंड्स मैथ में सब टॉपिक आए हैं जैसे कि टाइम एंड बर्थ से 2 क्वेश्चन देखने को मिला है, टाइम एंड बर्थ से 2 क्वेश्चन थे, प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन थे, परसेंटेज से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, CISI से 2 से 3 क्वेश्चन थे, मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन थे। बात करते फ्रेंड्स क्षेत्रमिति जो मेंसुरेशन है, और बात करते फ्रेंड्स अनुपात से भी क्वेश्चन देखने को मिला, औसत से मिला है फ्रेंड्स क्वेश्चन देखने को मिला। बात करते फ्रेंड्स मैथ की, तो मैथ में और कौन कौन से, मैथ में फ्रेंड्स एलजेब्रा से भी क्वेश्चन देखने को मिला है, और फ्रेंड्स जैसे कि मैथ में सबसे ज़्यादा टॉपिक टाइम एंड बर्थ से भी पूछ रहा है, DI से भी क्वेश्चन देखने को मिला है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स जीके में फ्रेंड्स साइंस से भी आज क्वेश्चन देखने को मिला है, करंट अफेयर से 2019 की भी आ रही है, 2020 की 21 की, मतलब कि 4 से 5 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिले हैं, 12 से 13 स्ट्रैटेजी के से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, हिस्ट्री से फ्रेंड्स 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, पॉलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, इकोनॉमिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, पंचवर्षीय योजना से पूछे गए थे आज, ज्योग्राफी से फ्रेंड 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आज का ऐसा ही जो इसको रहा है, थोड़ा बोल रहा है स्टूडेंट, मॉडरेट रहा है फ्रेंड्स, आज का मॉडरेट रहा है। अब बता दें फ्रेंड्स आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहाँ जुड़ जाइए आपको इसकी जो PDF देखने को मिल जाएगी अभी जस्ट। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। अपना कर्ज उतार के जरूर जाएँ 93-40-22-89-74 नंबर पर, अपने एकदम रियल क्वेश्चन सेंड करें अगर आपका एग्जाम हो गया हो, जिससे मैं आने वाले चैप्टर में भी एनालिसिस कर सकूं और सबका हेल्प हो सके, कर भला तो हो भला, इसलिए आप फ्रेंड्स क्वेश्चन एकदम रियल सेंड करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इसकी PDF डिस्क्रिप्शन में दिए, जाकर ग्रुप में दिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।